नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर्स शो के 250 एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस सीरीज में हम डेली करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर एक, फाइजर की कोविड वैक्सीन का भंडारण हुआ आसान। यूरोपीय संघ के औषधि नियंत्रक ने कहा है कि फाइजर की कोविड वैक्सीन का भंडारण अब फ्रिज के तापमान पर एक महीने तक किया जा सकता है। अभी तक इसके सुरक्षित भंडारण का समय 5 दिन था। लंबे समय तक सुरक्षित भंडारण मुमकिन होने से पूरे यूरोप में टीकाकरण पर महत्वपूर्ण असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि यूरोप में मुख्यतः फाइजर की वैक्सीन ही लगाई जा रही है। बहुत कम तापमान पर परिवहन और भंडारण की आवश्यकता फाइजर वैक्सीन की मुख्य कमी रही है। फरवरी में अमेरिका ने -15 से -25 डिग्री तापमान पर 2 सप्ताह तक फाइजर वैक्सीन के भंडारण और परिवहन की अनुमति दी थी। आमतौर पर इस वैक्सीन के भंडारण और परिवहन के लिए तापमान -60 से -80 डिग्री तक होना आवश्यक है। नंबर दो, कोविड मृतकों के परिवारों को दिल्ली सरकार की ओर से राहत राशि का ऐलान। दिल्ली सरकार ने उन परिवारों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का फैसला लिया है जिनमें कमाने वाले प्रमुख सदस्य की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। इसके अलावा प्रत्येक परिवार को 2,500 रुपए की मासिक पेंशन भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन बच्चों को 2,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा जो कोविड के कारण माता पिता की मौत के बाद बेसहारा हो गए हैं। यह राशि इन बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक उपलब्ध कराई जाएगी और उन्हें मुफ्त शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में इस महीने राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा। नंबर तीन, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल का हुआ कोविड से निधन। सुप्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वे 63 वर्ष के थे। वे IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर अग्रवाल को विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए उनके प्रयास के लिए जाना जाता है। बात करें IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, तो यह डॉक्टरों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संगठन डॉक्टरों के हितों की रक्षा और समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। वर्तमान में 3 लाख से ज्यादा डॉक्टर इस संगठन के सदस्य हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि पोखरण न्यूक्लियर एक्सप्लोजन डे इनमें से किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 18 मई, 19 मई, 20 मई या 21 मई। आप अपने जवाब हमें नीचे दे कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि व्यक्तिगत संगठनों से मिलने वाली सहायता को ट्रैक करने के लिए किस संस्थान ने एक समर्पित पोर्टल COVAID स्थापित किया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। आप में से उनको बताएं जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन लाया है कम्प्लीट बुक सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगी प्रत्येक विषय पर उपलब्ध पुस्तकें जैसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक, योग्यता परीक्षा, मानसिक योग्यता, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक परीक्षा और मूल विधि एवं संविधान। एक्सपर्ट्स द्वारा बनाई गई ये बुक्स हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड, जिनमें आपको मिलेंगे लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स भी। साथ ही आप पढ़ सकते हैं UPSI 20 प्रैक्टिस सेट्स, जिनसे आपकी तैयारी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। इन्हें सॉल्व करने से आप लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बेहतर तरह से समझ पाएंगे। ये बुक्स आप आसानी से ऑर्डर कर सकती हैं Amazon, Flipkart या नजदीकी बुक स्टोर से।